दीवार का एक भाग गिरा झोपड़े पर, बड़ी दुर्घटना की आशंका। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 9 जून की भारी बारिश के कारण मुमरा कौसा में तनवर नगर से आगे मलिक रेसिडेंसी फेज 2 नामक इमारत की सुरक्षा दीवार से लगे हुए एक झोपड़े पर गिरी। इस सुरक्षा दीवार का एक भाग, एक हिस्सा 2 वर्ष पहले भी गिर चुका है। अब 9 जून की मौसलाधार बारिश के कारण एक तरफ का भाग और गिर गया, उसकी जद में नीचे एक झोपड़ा आ गया। संजोग से उस झोपड़े में कोई नहीं था, इसलिए किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है, परंतु झोपड़े का अच्छा खासा नुकसान हो गया है। अब बारिश के शुरू होने से पहले ही सुरक्षा दीवार की दशा देखिए, किस प्रकार से दीवार में क्रैक आ गए हैं, जगह जगह पर दीवार फूल गई है। इस सुरक्षा दीवार से सटी हुई एक रूमी नामक इमारत भी है, और वैसे भी अन्य इमारत भी इस सुरक्षा दीवार से सटी हुई है। इस दीवार के आसपास लोगों का आना जाना है, परिसर के बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। अगर इस सुरक्षा दीवार की खस्ता हाल होने के कारण ये दीवार गिर जाती है तो सोचिए कितनी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। 9 जून की मूसलाधार बारिश के कारण यहाँ पर थाने महानगर पालिका के अधिकारियों, मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों की टीम पहुंची, जिसमें मुमरा प्रभाग समिति के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी भी अपनी टीम के साथ यहाँ का दौरा करके गए। स्थानीय समाज सेवक इब्राहिम राउत, जो नगर सेविका अश्विन राउत के पति है, वो भी यहाँ पर आकर गए। इस दुर्घटना के बारे में स्थानीय लोगों का क्या कहना है, क्या शिकायतें हैं, क्या बताया उन्होंने हमारे संवाददाता शेख शाहिद को, देखिए। आया ऐसा ये पूरा सब दूर दिख रहा है। मलिक रेसिडेंसी फेज 2 की ये वॉल गिरी है और हम इनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आप? मेरा मोहम्मद आरिफ नाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखो ये सिलसिला काफी दिन से चल रहा है। आरिफ भाई, ये हादसा कितने बजे हुआ है दीवार की? ये हादसा लगभग अभी यहाँ से 1.5 घंटा पहले ये हादसा हुआ है। डेढ़ घंटा 12:30 बजे के टाइम पे ये हादसा हुआ। बच्चे लोग इधर नहा रहे थे, नहाने के वक्त में बच्चे लोग नहा के निकले और ये हादसा हुआ। देखो वो दीवार गिरने से ये प्रॉब्लम कैसा खड़ा हुआ। पहले ये पिछले साल बरोबर था, पानी का रूटीन घास वाले से निकल जाता था। ये लोग ने ऊपर पफ बनाए ना, ये पफ के बाद में पानी इधर जमा होना शुरू हो गया, जिससे ये दीवारें वगैरह सब क्रैक होने लग गई। तो हम लोग ने ये चीज़ की जानकारी उधर दे चुके थे जगह मालिक को कि देखो ये दीवार क्रैक हो रही है, लेकिन इसके ऊपर नो सुनवाई हो रही थी। जगह मालिक का नाम क्या? ये अपना मलिक टावर वाले लोग की जगह है। उधर जो रहने वाले थे ना 2-3 ऑफिस में, उन लोग को ये बोल चुके थे हम लोग ने कि ये मसला है, देखो इसका कुछ करो। लेकिन ये स्टेडियम बनने के बाद में क्या हो गया कि पानी का रूटीन उधर रुक गया, रुकने से ये दीवार गिर गई। अब इस वक्त में ऐसा है कि ये दीवार भी देखो फूल चुकी है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक का कोई, अभी एक दीवार गिरी है, आगे भी दीवार ये पूरी चांस है। इससे पहले भी है ना, आज से 5-6 साल पहले भी बैक साइड का भी गिर चुका है दीवार। अक्सर ये 5-4 साल में एक बार हादसा होता है दीवार का, लेकिन इसके ऊपर कोई, बारिश का ये एक हादसे का शिकार है ये।
हर बारिश में एक हादसा होता है ये। अभी इस वक्त में देखो ये इतना क्रैक है, आके गए गोसावे साहब ने और फिर इब्राहिम भाई और शाकिर भाई, इन लोग सब आके गए देख के गए। अभी इसके ऊपर बोल रहे हैं कि काम करने के लिए, लेकिन अब कब होगा क्या होगा वो नहीं मालूम। लेकिन बिल्डिंग वाले लोग को आने जाने का इंटरेस्ट है हमारा बिल्डिंग का उधर, उसकी वजह से आने जाने वाले को, बच्चे लोग को खेलना कूदना सबको खतरा है। मसला ये जो झोपड़ा टूटा है, हाँ गिरने से, हाँ कोई हादसा तो नहीं? हादसा नहीं हो, वो देखो जो रहता था नंदू, उसको हार्ट पेशेंट है, वो घबरा के उसकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अभी कैसा है कि आराम है उसको, लेकिन उसका इतना नुकसान हो गया कि वो रह नहीं सकता अंदर। अंदर की पोजीशन उसकी ऐसी है कि वो बेचारा गरीब अभी क्या करे, कम से कम उसका मलबा हटा के दे देंगे तो वो कैसा ऐसा बना के। मनपा अधिकारी जो आए थे उन लोगों ने इनसे बात की है? हाँ, उनसे थोड़ा बात करे, बोले जाके हम लोग पीछे सर्वे करते हैं, बोले दीवार का कुछ करते, लेकिन दीवार का कुछ नहीं, नाले का सुनने में आया कि नाला बना के देंगे, बोले नाले की वजह से पानी का डाइवर्ट करेंगे हम लोग, बस इतनी बात हुई है। उसके बाद में कोई नहीं आया। इब्राहिम भाई अभी इधर मौजूद है हमारे साथ में। मसला ये है, बस ये जल्द से जल्द ये दीवार का कुछ ना कुछ हम लोग को करके दे दीजिए, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द इसका हादसा करके दीजिए। हमारे साथ इब्राहिम राउत साहब भी यहाँ मौजूद है, जो हादसा हुआ है ये भी यहाँ सर्वे करने आए थे। इब्राहिम भाई, ये जो पूरा हादसा हुआ है और लोगों का कहना है हर बारिश का ये हादसे का एक गढ़ हो चुका है, तो इसका अभी तक कोई हल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, लोग जो कह रहे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे, पिछले साल भी ऐसा हादसा अल्लाह ने बचा लिया हुआ नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हादसा हो के हमको एक मौका मिला है कि इसको हादसा होने से पहले उसका कुछ ना कुछ इलाज हो जाए, ताकि कोई जान की हानि नहीं हो और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो। और कैसा है मालूम मेरे भाई, ये जो दीवार की हाइट जो मेरे ख्याल से 10-12 साल पुरानी दीवार है, इस पर भरनी होते 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 इतनी ऊंची हो गई है कि अगर हमें पूरी दीवार भी निकालने जाएंगे तो मिट्टी यहाँ पे नीचे गिरने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो अभी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट AMC आए थे, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर सागर सालों के, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंजीनियर गोसावी और हमारे पैनल के भी साथ में फरजाना शाकिर शेख भी यहाँ पर थी। और अभी ऐसा बीच में डिसाइड हुआ है कि हम लोग बीच में से एक छोटी सी नाली बनाएंगे, ताकि जो पानी का जो फ्लो यहाँ आ रहा है वो फ्लो को रोक दिया जाए। और जो इसकी जो इसके जो ओनर है उसको भी अभी ये लोग इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसका फाइनली कुछ ना कुछ इलाज कर दो, ताकि ये ऐसा हादसा नहीं हो। बेन, आपका नाम क्या है? पिंकी दत्तू गायकवाड़। बेन, ये जो दीवार गिरने के हादसे से ये जो आपका पूरा घर का नुकसान हुआ है, और जो आपके घर में किसी के साथ में कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को नहीं लगा। और ये जो आपका पूरा घर टूट चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मालिकों से और सरकार से, क्या आप कहना चाहेंगे? अरे घर तो बना के देना चाहिए ना, और क्या देना चाहिए, घर बना के देना चाहिए। मलिक रेसिडेंसी 2 फेस की ये जो दीवार थी, आपको उनसे मतलब आपका घर बना के चाहिए? हाँ। और मनपा अधिकारी आए थे तो आपकी क्या बातचीत हुई? नहीं, वो नहीं मालूम, कुछ नहीं बातचीत, वो लोगों ने कुछ बात नहीं किया, खाली देख के चले गए। चाचा, आपका नाम क्या है और ये आपकी बिल्डिंग का नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है और मेरी बिल्डिंग का नाम है रूमी मंजिल। ये जो दीवार गिरने का हादसा हुआ है कितने बजे? दीवार की बात मैं बता रहा हूँ, अभी आपको मैं शुरू से अभी आखिर तक बता रहा हूँ। ये दीवार तो पहले थी नहीं, दीवार को उठाने के टाइम जब ये लोग आए तो हम लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन कोई माने नहीं, मालदार लोग हैं, माल की ताकत पे दीवार उठाया। फिर एक बार वो 2 या 3 साल पहले उधर से दीवार गिरी, फजर के टाइम में इतनी ज़बरदस्त आवाज, सारे लोग बाहर निकल गए, वो भी मामला जैसे का तैसा फिर हो गया। अब ये दीवार गिरी, हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये दीवार जो है पेट इसका फूक गया है, कभी भी गिर जाएगी। गर्मी के दिन में बच्चों को मैं वहाँ से डांट के भगाता हूँ कि यहाँ उन्होंने दीवार गिर जाएगी, अभी ये हो गया है। और अभी भी सारे लोग बड़े छोटे आ गए हैं, लेकिन ये दीवार का काम होने वाला नहीं है, ये तो तय है। क्यों? एक मिनट मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये जिनका मामला है ना, ये मालदार लोग हैं और मालदारों के आगे गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। ये मालदारों का नाम क्या है? नाम है मलिक बिल्डर है या शायद रहमानिया है, जो भी है, हम लोग उतने करीब से नहीं जानते, लेकिन हम लोग इतने ही जानते ये रहमानिया है या मलिक है, जो भी है बिल्डर लोग हैं, ये रूमी वालों को हमेशा से दबाया है। हम लोगों का कुआं भी ये लोगों ने जबरदस्ती लिया। तो क्या कानून खाली पैसे वालों के लिए कानून है? या गरीब इसी तरह दब दब के अपनी औलादों को दफन करते रहेंगे? हमारे को अन्याय चाहिए, किसी भी तरह हमारी बिल्डिंग के एतराज में जो बिल्डिंग दीवार है वो दीवार हटानी चाहिए। हमारे साथ आप पूरा पूरा साथ दीजिए, हमारी ये दीवार हटाने के साथ।
साथ दीजिए। महानगर पालिका के बड़े अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे? गोसावी साहब से हमने पूरी तरह कोशिश करी, हर तरह से नगर सेवक नगर सेविका सब लोग आकर देख कर गए। मसला यहाँ तक आया कि हम मट्टी सिर्फ हटाएंगे जेसीबी के जरिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कोई जेसीबी भी नहीं आई हुई है। कब्जा कर लिया हम लोग, बोले बावड़ी दे दो गर्मी के दिन में काम है, तो वो भी कब्जा कर लिया। बहुत तकलीफ हुई भाई, माल माल बावड़ी आपकी बिल्डिंग की? हाँ, पहले तो मैदान था ना, तो वो खड्डा था, तालाब जिससे जम जाता था पानी, बच्चे नहाते थे। हाँ, बाद में पानी अपना सूख जाता था। पहले जो था, पहले घास वाला से सीधा जाता था। बाउंड्री जो मलिक की थी, वो तीनों तरफ से बाउंड्री उठाया था, वो पहले बह चुकी, दो बार बह चुकी वो। उसके बाद अभी ऊपर टफ हो गया, ऊपर मैच खेल रहा वो जो आया है बंदा, 1200 रुपया 3 बजे तक चला रहा है रात को। तभी क्या हो गया कि टफ वाले ने ऊपर कर दिया, 3 बजे तक चलता है, 3 बजे तक चलता है। अब वो अभी किसको कंप्लेंट करेंगे, किसको कंप्लेंट करेंगे बॉस? अभी आदमी काम काज वाला आदमी है, सुबह जॉब पे जाएगा, शाम को आता है थक थका के, तो किसके पास जाएगा आदमी? अब वो उधर टफ बढ़ाने से तो पानी तो रुक गया, अब पानी जाहिर सी बात है कहाँ से तो निकलेगा, तो ये इधर से पूरा बाहर आया और ये गरीब, हाँ अब ये गरीब का घर भी बेचारे का बर्बाद हो गया। अभी हमारा तो ये जिम्मेदारी है कि महानगर पालिका से कोई इसका भी कोई भरोसेमंद आवे, कि इसको कोई दिलासा तो देवे कि एटलीस्ट हम तेरे साथ खड़े हैं, तेरे घर बना के दे सकते, कुछ नहीं थोड़ा हेल्प तो कर सकते है ना। पर ये चीज़ किसी से किया नहीं है, ये किसी से कुछ हुआ नहीं है। ऊपर आए थे सालूम के साहब भी आए थे, ऊपर बोले कि थोड़ी खुदाई करेंगे, खुदाई करने के बाद करेंगे बोल के, सब हमारी बिल्डिंग वाले खड़े। हमारे बच्चों की हिफाजत उसी में होगी, हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमको ये दीवार टूट के मिलनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी कैसा भी हो, आज पूरा दिन में ये काम हो जाना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।